जिनको आपसे मुखातिब करा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो हर क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, छत्तीसगढ़ के भी नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, जिन्होंने सामाजिक सरोकार को भी पूर्ण किया है और लेखन के क्षेत्र में भी जिनकी कलम आज आवाज दे रही है। उनकी पहली पुस्तक एम्बुश जो आई थी, जिसने बहुत अच्छा यहाँ नाम कमाया है, उसके बाद दूसरी पुस्तक ईवीएम, क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी सरोकार को लेते हुए उन्होंने ईवीएम के ऊपर एक महत्वपूर्ण लेख अपनी पुस्तक के जरिए पाठकों तक पहुंचाया है। हम उनसे जानेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था इसको लिखने के पीछे। ईवीएम आपने जो लिखी है, क्या उद्देश्य था, क्या सोच थी आप? देखिए, बहुत ईवीएम को लेकर के पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी, एक बवाल सा मचा हुआ है और उसके कारण प्रजातंत्र की हानि हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जनता तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी संभव नहीं है और लोग बिल्कुल अपना मत डालें ईवीएम में। ईवीएम मशीन जो है वो ऐसी मशीन है जिसमें कि जैसा वोट डालेंगे वैसा ही रिकॉर्ड होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जनमानस के बीच एक भ्रांति है कि बैलेट ज्यादा अच्छा है ईवीएम के थ्रू। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, बैलेट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ईवीएम के बदले, बल्कि बैलेट के समय में तो आप जानते हैं बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, दूसरे अनेक प्रकार के कदाचरण होते थे। ईवीएम आने से तो ये सारी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, पूरी तरह से इस पे रोक लग गई है। और इसके अलावा आपको शायद याद होगा, मैंने तो शिवपुरी के जिला कलेक्टर के रूप में जब पहली बार बैलेट का चुनाव कराया था तो हमको वोटों की काउंटिंग करके रिजल्ट घोषित करने में लगभग 48 घंटे का समय लगा था। आज ईवीएम से जब वोट की काउंटिंग होती है तो आप तो 2 घंटे में पूरा पूरा का पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करके पूरी संसद ही बना देते हैं। तो बहुत आसान हो गया है लोगों के द्वारा वोट डालना, इलेक्शन को प्रॉपरली अच्छी तरह से उसका प्रबंधन करना और जल्दी से रिजल्ट घोषित करना। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये बातें सामने आती है कि इसमें टेम्परिंग हो सकती है। आप क्या मानते हैं इसमें टेम्परिंग हो सकती है? दूसरी बात, जो अभी बस्तर का जैसे प्रथम चरण का चुनाव हुआ है तो उसकी प्लेसमेंट को लेके भी एक भ्रांति लोगों के मन में है, तो क्या प्लेसमेंट से भी इसमें रिजल्ट में ऊपर नीचे किया जा सकता है? एक तो ये कि टैम्परिंग तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि ईवीएम में किसी भी प्रकार का कोई भी नेटवर्क नहीं है, ना तो उसमें मोबाइल का सिम लग सकता है, ना उसमें ब्लूटूथ है, ना उसमें इंटरनेट है, कोई भी नेटवर्क नहीं है। तो आप बिना नेटवर्क की चीज़ को बाहर से एक्सेस ही नहीं कर सकते, बाहर से उस तक आपकी पहुंच ही नहीं हो सकती। अब दूसरी बात यह आती है कि अगर हम ईवीएम के डब्बे को खोल के और उसके अंदर के पार्ट्स को बदल दें तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जो नई ईवीएम आई है जिससे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ है उसमें एक ऐसा सर्किट लगाया गया है कि अगर उसके डब्बे को खोलने का जरा सा भी प्रयास किया गया तो वो ईवीएम खराब हो जाएगी, उपयोग के योग्य ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ईवीएम में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो कुल मिला के ईवीएम लोगों के मानसिक दृष्टिकोण को खोलेगी, ये किताब ऐसा मैसेज दे रही है कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती। हालांकि कतिपय लोग इसको कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, टेम्परिंग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना है कि इसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग नहीं की जा सकती। ये सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है वोटिंग करने का। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ पीयूष मिश्रा, IPN।